प्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके, ये चैप्टर लेने वाले हैं वहीं शूट में। रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन क्या है वो देखेंगे यहाँ पर हम। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन लाइक पेरेंट, पेरेंट जैसा एक ही जैसा एक ऑर्गेनिज्म बनाना, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज एन इसेंशियल प्रोसेस, इट लीड्स टू कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज एज वेल एज मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ओके, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है, हमारी जो जनरेशन है उसे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। ऑल दीज मेथड्स जनरली फॉल इन टू टू कैटेगरी, मतलब कोई भी इंसान रहने दो, ऑर्गेनिज्म रहने दो या प्लांट रहने दो, दो प्रकार से रिप्रोडक्शन कर सकता है वो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें इस पार्ट में से हमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ये जो विजिटेड रिप्रोडक्शन, कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, ये सभी जो है ये सभी डीएलटी सिलेबस में आता है। सो हमें यहाँ पर पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली क्या होता है? देयर इज़ अ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ओके, देयर आर टू गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें जायगोट बनाने के लिए। ऑल ऑर्गेनिज्म रिच टू द मैच्योरिटी बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस। ओके, रिप्रोड्यूस होने से पहले मैच्योर तो होना जरूरी है गाइस। ओके, मैच्योर नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन कैसे? पहले रिप्रोडक्शन होने से पहले मैच्योरेशन जरूरी है। इन प्लांट्स एट द एंड ऑफ जिनुअल और विजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज एंड कैन बी ईजिली इन हायर प्लांट्स एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। मतलब एक फ्लावर है वो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल है, उसे कब, जब किसी भी प्लांट में हम जब उसके फ्लावर को देखें तो समझ लेना चाहिए कि वो जो प्लांट है रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल है वो। ओके, सो अभी देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्या देखे रखा है। ओके, ये सब कुछ डिलीट कर लेता हूँ मैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर फ्लावर इज अ स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक, मतलब फ्लावर का फंक्शन यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट में कहाँ पर होता है? फ्लावर्स में। द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू रिप्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट्स एंड इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। मतलब मेन फंक्शन यहाँ पर है। एक मार्क को क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर? फ्लावर का फंक्शन है टू प्रोड्यू, मतलब रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर, और टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट्स। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, हैप्लॉयड गैमेट्स ध्यान में रखो, कौन से? हैप्लॉयड गैमेट्स। ओके, टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट्स ऑफ फोर डिफरेंट पार्ट्स। ओके, एक जो फ्लावर है उसके कौन से प्लांट? एक कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ओके, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और कैलेक्स कोरोला। ओके, ये जो है चार पार्ट्स से हो रहते हैं टिपिकल फ्लावर के। सो देखो नीचे अभी देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वॉज टू मेजर इवेंट्स, मियोसिस। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू मेजर इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट है मियोसिस एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म डिप्लॉयड, मतलब पहले तो मियोसिस और सेकंड फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। ओके, मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट। ओके, एंड द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग, मतलब वेरिएशन तो आएंगे। वेरिएशंस आर यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सर्वाइवल एंड द एलिवेशन ऑफ स्पीसीज ओवर द टाइम। ओके, वेरिएशन तो आना ही चाहिए किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रहते हैं वेरिएशन आते ही हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी देखिए यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, फर्टिलाइजेशन क्या है? देर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ओके, एंड द एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। सिक्वेंशियल इवेंट, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो मेल एंड फीमेल गैमेट का इन्वॉल्व होता है जायगोट फॉर्म के निकले, दैट इज एम्ब्रियो। जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, उसे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। सिक्वेंशियल इवेंट्स दैट अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इनटू थ्री डिस्टिंग्विश्ड। ओके, ये जो रिप्रोडक्शन है मतलब उनके स्टेजेस है, पहले प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन और फर्स्ट, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के प्री। ओके, मतलब फर्टिलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ, उसमें कौन कौन से आते हैं? मतलब मैच्योरेशन आता है, फर्टिलाइजेशन में दो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन मतलब जायगोट बनना में एम्ब्रियोजेनेसिस। ये हो गया आपके कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट। सो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी देखी रखी जो कि टेंथ में आपको होते हैं, ये भर लीजिए आप। ओके, टेंथ में आपको ये हो चुका है,
आपको ये भर लेना है। इसलिए नेक्स्ट देखते हैं, मतलब टाइम नहीं है उतना कि मैं यहाँ पर भर के दूँ, इसलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या दे के रखा है, उसमें TS जो एंथर है उसका TS भी देखेंगे। पहले तो उसे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर कैसे रहता है। द मेल रिप्रोडक्टिव वॉल, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज एंड्रोशियम एंड द फीमेल पार्ट इज गायनोशियम। मतलब मेल पार्ट क्या है, एंड्रोशियम एंड द फीमेल पार्ट गायनोशियम। आपको गाय गाय पता है, ओके सो उसके गाय मतलब फीमेल रहती है, वो क्या हो गया फीमेल पार्ट, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ओके स्टैमिन कंसिस्ट्स, यहाँ पर देखिए स्टैमिन कंसिस्ट्स ऑफ फिलामेंट कनेक्टिव एंड अंतर। ये जो सभी फिलामेंट क्या है, कनेक्टिव क्या है, अंतर क्या है, अभी बताऊंगा मैं आपको। देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में देखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे करके यहाँ पर एंथर रहते हैं ना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, सो एन इमेच्योर स्टेज ऑफ एंथर इज रिप्रेजेंट बाय ए ग्रुप ऑफ पैरेंजाइमस टिश्यू सराउंडेड बाय सिंगल लेयर एपिडर्मिस। ओके ग्रुप मैच्योर स्टेज ऑफ एंथर मतलब अभी तक जो एंथर है वो मैच्योर नहीं हुआ है, इमैच्योर है। उसकी जो लेयर है वो किससे बनी होती है, एपिडर्मिस से। एंथर इज अ जनरली डायथीशियम, मतलब एंथर को जो टू लोब्स होते हैं। टू लोब्स कौन से भाई, यहाँ पर देखिए ये जो एंथर है, TS ऑफ एंथर देख रखा है, ये जो ये हो गया फर्स्ट लोब यानी इसका अंदर का, ये हो गया सेकंड लूप। ओके सो एंथर कितने लूप रहते हैं, टू लूप्स रहते हैं। ओके एंड टेट्रा पेरेंजाइमेट मतलब फोर पेरेंजाइमेट रहते हैं। इच मोनोथीशियस एंथर कंटेन टू पोलन सैक। ओके मोनोथीशियस एंड इच मोनोथीशियस मतलब ये एक हो गया, एक मोनोथीशियस के अंतर के पास एक पोलन सैक रहता है, डायसीशियस अंतर फोर पोलन सेक का प्रेजेंट, देयर फॉर इट इज टेट्रास्पोरेंजेट। एंथर को इस टेट्रास्पोरेंजेट क्यों कहा जाता है, इन डाइटिशियस एंथर फोर पोलन सेक आर प्रेजेंट, फोर पोलन सेक प्रेजेंट होने के इसलिए उसे टेट्रास्पोरेंजेट कहा जाता है। सो ये जो एंथर है उसे क्यों कहा जाता है टेट्रास्पोरेंजेट, क्योंकि उसके पास फोर पोलन सेक रहते हैं, इसलिए तो उसे हम टेट्रास्पोरेंजेट कहा जाता है। इन डायटिशियस एंथर फोर पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट, देयर फोर इट इज टेट्रास्पोरेंजेट। ओके द यह समझ आएगा, द हेट्रोजेनेटिकली अराइज व्हेन सम हाइपोडर्मल सेल्स गेट ट्रांसफर्ड इनटू आर्चिड सेल। ये जो सम हाइपोडर्मल सेल्स रहते हैं वो आर्चिड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको नाम मैं क्या ही करूँ, नाम को ध्यान में रखना ही होगा आपको। ओके सो चलिए नीचे देखते हैं अभी क्या दिख के रखा है। TS ऑफ एंथर यहाँ पर देखिए, आप पहले तो फिगर और कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहाँ पर ये जो TS ऑफ एंथर है इसमें क्या देख के रखा है वो देखिए। TS ऑफ एंथर में पहले तो कनेक्टिव, फिर एपिडर्मिस, ये जो कनेक्टिव है इसे मिडल लेयर को, मिडल लेयर है एपिटम। ओके स्पोरेंजाइमस टिश्यू, एंडोथेशियम, ये सभी पार्ट है TS ऑफ एंथर के लिए। एग्जाम में आपको कैसे पूछेगा, इसमें लेबल करने के लिए भी बोलेगा। ओके ये जो 4 मार्क्स को आया तो इसको इसके लिए 1 मार्क, 2 मार्क, इसलिए 3, 4, ओके ऐसे 4 मार्क्स देंगे। सो TS ऑफ एंथर देखो नीचे अभी यहाँ पर TS ऑफ एंथर ये जो आर्चिस्पोरियल सेल्स, दिस आर्चिस्पोरियल सेल्स डिवाइडेड इन टू टू सेल्स, फर्स्ट है इनर स्पोरोजाइगस टिश्यू एंड अदर आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। मतलब जो आर्चिड सेल्स है वो डिवाइड होती है टू सेल्स में, स्पोरोजाइगस टिश्यू और दूसरा आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स। ओके सो स्पोरोजाइगस सेल्स जो फॉर्म हुआ था इसके वजह से, आर्ची स्पोरल सेल्स की वजह से स्पोरोजाइगस सेल्स फॉर्म स्पोरोजीनियस टिश्यू। ओके स्पोरोजाइगस क्या, स्पोरोजीनियस सेल क्या बनाती है, स्पोरोजाइगस टिश्यू। इच सेल ऑफ स्पोरोजाइगस टिश्यू इज अ कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोरल टेट्रेड पैराइटल सेल अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म एंथर। ये आपको ध्यान में रखने को, यहाँ से द वॉल ऑफ, यहाँ से आपको रीड करना है, द वॉल ऑफ मैच्योर एंथर कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर्स। मतलब जो मैच्योर एंथर है उसमें
फोर लेयर्स लेते हैं, हमने देखा भी फिगर में, आपको अभी दिखाऊंगा। फर्स्ट है इपीडर्मिस। इपीडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टेड लेयर मेड ऑफ ट्यूबुलर सेल्स। ओके, जो आउटर लेयर है, ओके यहाँ पर जो आउटर लेयर, ओके कौन सी आउटर लेयर है, वो इपीडर्मिस। ये जो इपीडर्मिस है, दिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विच इज मेड फ्रॉम ट्यूबुलर सेल्स। ओके, ट्यूबुलर सेल्स से बनी हुई है ये इपीडर्मिस। सो नेक्स्ट लेयर है एंडोथेशियम। ओके ओके, एंडोथेशियम इज अ सब इपिडर्मल, सर मतलब इपिडर्मल जो लेयर है आउटर मोस्ट लेयर, इसके सब नीचे सब इपिडर्मल लेयर विच इज मेड अप रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। रेडियली इलोंगेटेड सेल की कौन सी बनी है, सब इपिडर्मल लेयर विथ फाइबरस थिक निंजिस। ओके, इनर टू एंडोथेशियम, एंडोथेशियम के अंदर इट इज़ अ मिडल लेयर मेड अप थिन वॉलर्ड सेल्स, वन टू टू लेयर्ड। ओके, विच मे डिस्क्रेंट इन मेच्योर एंथर, मतलब फर्स्ट लेयर हो गया एंडोडर्मिस, दिस द आउटर मोस्ट लेयर विच इज मेड अप बाय ट्यूबुलर सेल्स, एंड हो गए एंडोथेशियम। एंडोथेशियम क्या है, इट इज द सब इपिडर्मल सेल, इपिडर्मल के सब ऊपर एंडोथेशियम। ओके, विच इज इस जो एंडोथेशियम सेल है रेडियली इलोंगेटेड सेल की बनी हुई होती है। ओके, रेडियल सेल इलोंगेटेड से यहाँ पर देखिए अभी। नेक्स्ट है इनर टू एंडोथेशियम, एंडोथेशियम के अंदर जो मिडल लेयर होती है मतलब अंदर की, उसे हम मिडल लेयर कहते हैं। वो मिडल लेयर बनी होती है थिन वॉलर्ड सेल से, कितने में? वन टू टू सेल्स की बनी होती है थिन वॉलर्ड सेल, कौन सी, मिडल लेयर। ओके, विच मे डिस्टिंग्रेट इन मैच्योर एंथर। अभी देखिए टेपेटम, टेपेटम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ द एंथर वॉल, ऐसे क्वेश्चन आता है। सो टेपेटम इट इज द न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल, इट इज द इनर मोस्ट लेयर, ये आपको ध्यान में रखना है टेपेटम के बारे में। ओके, सो क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन आया था टेपेटम के बारे में। ओके, तो टेपिटम आपका इनर मोस्ट समझ आ गया है। इट इमीडिएटली इनक्लोजेस द स्पोरोन्जाइगस टिश्यू, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को इंक्लोज कर देती है दिल से, मतलब डायटिशिएशन है टू लोब्स, यहाँ का एक लोब और यहाँ का एक लोब, ऐसे अंदर की तरफ क्लोज कर देती है, कौन, टेपिटम। ओके, समझ आ चुका होगा आपको। अब देखिए डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं सभी चीज़ें को। सो देखिए यहाँ पर डायग्राम टी एस ऑफ एंथर के बारे में। सो टी एस ऑफ एंथर, इसमें क्या, फर्स्ट हो गया तो इपिडर्मिस, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मिडल लेयर हो गई, मिडल लेयर क्या है, वो जो है एंडोथेशियम के अंदर की लेयर, इनर लेयर, मिडल लेयर। ये जो टेपेटम है वो न्यूट्रिटी लेयर है विच गिव न्यूट्रिशन टू द मैच्योर एंथर एंड द स्पोरोन्जाइगस टिश्यू, दिस इज द एंडोथेशियम, एंडोथेशियम के इनर की लेयर, मिडल लेयर और सब पैराइटल भी रहती हो। ओके, सब इंडोदेशियम की भी अंदर की लेयर रहती हो। ओके, ये हो गया टी एस ऑफ एंथर। इसमें आपको टी एस ऑफ डिस्क्राइब द टी एस ऑफ एंथर सभी क्वेश्चन आ सकता है। सो फिगर के लिए, सो 4 मार्क्स को क्वेश्चन आए तो फिगर के लिए 2 मार्क्स देंगे, और आपने क्या डिस्क्राइब किए उसके लिए 2 मार्क्स देंगे। ओके, सो टी एस ऑफ एंथर समझ आ चुका होगा, इसलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये नीचे एक फिगर देख रखी है आपको, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे बटरफ्लाई शेप जैसे ये दिख रही है ना, ये अंदर के हो गए ये पोलन ग्रेन्स। ओके, अंदर के एंथर के अंदर क्या रहते हैं, पोलन ग्रेन, छोटे 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 पोलन ग्रेन रहते हैं, वही दिखाई गया है यहाँ पर। ओके, सो ये डिहाइशेक्ड एंथर है, सो आपको कोई ज़रूरत नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, अभी ये देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या दिख रखा है, माइक्रोस्पोरो जेनेसिस। सो माइक्रोस्पोर मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, मतलब माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मतलब क्या है, आपको ये समझ लेना जरूरी है। इच माइक्रोस्पोर मदर से डिवाइडेड मियोटिकली टू फॉर्म टेट्राइड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्पोर्स क्या है, एक प्रकार से पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन एंथर के अंदर रहते हैं ना, वो कैसे बनते हैं एंथर के अंदर वो देखेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर डेफिनेशन देख के रखी है, आपको याद कर लेनी है। सो ये मैं सभी अभी इरेज कर लेता हूँ, आपको कोई काम नहीं है इसमें से। तो देखिए अभी देखेंगे हम
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स दैट इज माइक्रोस्पोर्स क्या है? देखिए इच माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म टेट्राइड ऑफ हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स। पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं? जो MMC मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल वो डिवाइड हो जाती है मियोटिकली टू फॉर्म टेट्राइड ऑफ हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर विच इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। ये ध्यान में डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। ओके सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है मियोटिकली डिवाइड करती है टू फॉर्म टेट्राइड ऑफ हैप्लॉयड माइक्रोस्पोरोजेनेस करने के लिए। सो इसकी पोलन ग्रेन है उसके स्ट्रक्चर देख, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, वो पोलन ग्रेन किस में रहते हैं? एंथर के बीच में। देखा आपने यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं आप, ये अंदर के एंथर ही हो। ओके सो उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरो माइक्रोस्पोर। ओके सो ये अभी मैं इसके कोई काम नहीं, ये इरेज। ओके ये भी इरेज कर लेता हूँ। कहाँ गया भैया? हाँ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर दैट इज पोलन ग्रेन। टिपिकली पोलन ग्रेन इज अ नॉन मोटाइल। सो आपके सब एक पॉइंट हो गया, नॉन मोटाइल मतलब वो मोटाइल नहीं कर सकता, मतलब मोटाइल पता है आपको, मूवमेंट नहीं कर सकता। वो हैप्लॉयड है, यूनिसेलुलर बॉडी है, मतलब आपको एग्जाम आए, एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके माइक्रोस्पोर। ओके माइक्रोस्पोर कैसे है? वो एक है नॉन मोटाइल, मतलब नॉन, वो मूवमेंट खुद से मूवमेंट कर सकता है क्या? नहीं। अदर वो हैप्लॉयड है और यूनिसेलुलर बॉडी विद अ सिंगल न्यूक्लियस। सिंगल न्यूक्लियस कैसे है? न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, कितने न्यूक्लियस हैं ये भी क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको, देखिए ये जो माइक्रोस्पोर दैट इज पोलन ग्रेन क्या है? नॉन मोटाइल, एक हैप्लॉयड है, सिंगल न्यूक्लियस, ये तीन बातें ध्यान में रखना है। इट इज सराउंडेड बाय टू लेयर सेल वॉल कॉल्ड स्पोरोडर्म। ओके ये जो क्या दिख रहा है, देखिए इट इज सराउंडेड बाय टू लेयर्ड वॉल कॉल्ड स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म मतलब टू लेयर से बना होता है, कौन सा है वो? स्पोरोडर्म। जो माइक्रोस्पोर दैट इज पोलन ग्रेन है वो टू लेयर से बना होता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, वो आवाज़ आ रही है तो इसे आप मतलब ये कर सकते हैं। ओके सॉरी फॉर दैट। देखिए यहाँ पर स्पोरोडर्म क्या है? इट इज़ द लेयर है, मतलब ये जो माइक्रोस्पोर है मतलब दैट इज पोलन ग्रेन, इट इज सराउंडेड बाय द टू लेयर्ड वॉल दैट इज नोन एज स्पोरोडर्म। ओके व्हाट इज स्पोरोडर्म? स्पोरोडर्म इज द टू लेयर्ड वॉल। ओके किसे सराउंडेड करती है? पोलन ग्रेन को। द आउटर लेयर इज एक्साइन इज अ थिक एंड मेड अप कॉम्प्लेक्स नॉन बायोग्रेडेबल सब्सटेंसेस कॉल्ड स्पोरन पोलिनिन। आपको एक फिगर दिखाता हूँ उसके आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रखे हैं, यहाँ यहाँ देख रखा है, यहाँ देखिए यहाँ पर यह फिगर बता रहा था मैं। जो पोलन ग्रेन है जो ऊपर की लेयर रहती है वो किससे? स्पोरोडेरियन से। अंदर की लेयर ये जो टू लेयर्स है एंटाइन और एक्साइन, वो लेयर के बारे में अंदर का साइटोप्लाज्मा। देखिए ये एक लेयर हो गई, इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन हो गए। ओके ये जो पोलन ग्रेन सिंगल न्यूक्लियस भी हो गया। ओके ये इसका नाम क्या है? पोलन ग्रेन। ये हो गए आउटर लेयर, जो डैश डैश करके मैं दिखा रहा हूँ वो पोलन ग्रेन है, इसके अंदर साइटोप्लाज्मा है। ओके सो देखिए आप इस पेज पर हम क्या देख रहे थे, अभी देखिए इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ये हो गया डिलीट। ओके सो देखिए अभी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर इस यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। सो आउटर लेयर क्या है अभी दिखाया मैंने, आउटर लेयर क्या है? एक्साइन इज, ये जो है थिक मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोग्रेडेबल सब्सटेंसेस से बनी होती है, उसे हम स्पोरोपोलिनियन कहते हैं। ओके
आपको आउटर लेयर क्या है, एक्जाइन, इनर लेयर एंटाइन, एक होती है इनर लेयर। ये जो एंटाइन लेयर है उसमें सेलुलोज और प्रोटीन रहता है, और जो आउटर लेयर है एक्जाइन, इट इज़ मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जो कि एक नॉन बायोग्रेडेबल मतलब नेचर में डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से बनी होती है। कौन सी है वो, स्पोरोपोलिनियर। और कौन सी लेयर है, एक्जाइन, और अंदर की लेयर एंटाइन, जो कि सेलुलोज और प्रोटीन की बनी होती है, उसे एंटाइन कहेंगे। ओके, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर में आपको तो क्या ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर वो नॉन मोटाइल है, हैप्लॉइड है, यूनिसेलुलर बॉडी विद सिंगल न्यूक्लियस है। उसमें ये जो है आउटर की लेयर एक्जाइन, ओके, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से बनी होती है, और अंदर की लेयर एंटाइन, जो कि सेलुलोज और प्रोटीन की बनी होती है। और यहाँ पर आपको ये जो पोलन ग्रेन है वो सराउंडेड रहता है टू लेयर वॉल से, उस लेयर का नाम क्या है, स्पोरोडर्म, ये एक ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका हमारा पेज कवर हो चुका है 3 नंबर का, अभी देखिए नेक्स्ट क्या देख रखा है। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे आप क्या देख रखा है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट देखेंगे, मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट कैसे करता है, तब तो मैं ये सभी इरेज कर लेता हूँ। ओके गाइस, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जो मेल गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन से, दैट इज माइक्रोस्पोर से ही डेवलपमेंट होता है। सो कैसे होता है वो देखिए, जो मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट है वो पोलन ग्रेन से ही स्टार्ट होती है। पोलन ग्रेन मार्क्स द बिगनिंग, ओके, बिगनिंग ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। ओके, जो मेल गैमेटोफाइट है उससे ही स्टार्टिंग होती है किसी, हमें जो मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करना है तो उस स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पोलन ग्रेन, दैट इज माइक्रोस्पोर से। ओके, माइक्रोस्पोर, इट अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस बिगर मार्कड वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल थिन एंड वॉल्ड जनरेटिव सेल। ओके, सो ये जो पोलन ग्रेन देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पोलन ग्रेन है माइटोटिक डिवीजन करके टू सेल बनाता है, पहला वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड इज अ जनरेटिव सेल। ओके, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, आपने देखा होगा हमने स्ट्रक्चर, ये जो पोलन ग्रेन है आउटर लेयर भी देखी, इनर लेयर भी देखी, आउटर लेयर ओके एक्जाइन, इंटर लेयर एंटाइन। ओके, एक्जाइन जो है वो तो प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब केमिकल्स रेजिस्ट करते हैं, कौन सी लेयर है, एक्जाइन। ओके, ध्यान में रखना है, एक्स मतलब एक्सटर्नल लेयर, दैट इज ओके, और जो अंदर का है वो साइटोप्लाज्मा है ये, और ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन माइटोटिक डिवीजन करके टू सेल्स बनाती है, फर्स्ट वेजिटेटिव सेल्स एंड सेकंड इज अ जनरेटिव सेल्स। ओके, सो जो वेजिटेटिव सेल्स है ओके इज रिच इन फूड एंड हैविंग इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पर जो टू सेल्स बने, फर्स्ट वेजिटेटिव एंड सेकंड इज जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स में क्या होता है, वेजिटेटिव सेल्स इज रिच इन फूड। ओके, उसके पास क्या है, फूड ज़्यादा है, हैविंग इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इरेगुलर शेप्ड है, और रिजेनरेटिव सेल जो बनी थी माइटोटिक डिवीजन की, माइटोटिक डिवीजन किसका हुआ था, पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन को ही सेकंड नेम माइक्रोस्पोर का। द जनरेटिव सेल फ्लोट्स इनटू द साइटोप्लाज्मा ऑफ वेजिटेटिव सेल। ओके, यहाँ पर देखिए ये सभी हो गई वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करता है कौन सा, जनरेटिव सेल्स। ओके, वेजिटेटिव सेल रिच कहाँ है, फूड में रिच, मतलब उसके पास जो फूड है वो ज़्यादा होता है। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट बने, अभी सेकंड माइटोटिक डिवीजन कंसर्न विद जनरेटिव सेल ओनली। ओके, जनरेटिव सेल का माइटोटिक डिवीजन है ये जो बने थे जनरेटिव सेल, उसका माइटोटिक डिवीजन हो गया, एंड गिव्स राइज टू टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट। उसके उससे ही जनरेटिव सेल है, उससे टू नॉन मोटाइल गैमेट्स बनेंगे। द माइटोटिक डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल टेक प्लेस आइदर इन पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब। जो जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन है वो कहाँ पर होता है, आइदर इन पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर, नहीं तो पोलन ट्यूब, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है पोलन ट्यूब के अंदर। द पोलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम द एंथर। जो पोलन ग्रेन है देखा आपने यहाँ पर, पोलन ग्रेन आर शेड फ्रॉम द एंथर एट द टू सेल्ड स्टेज,
इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, जो पोलन ग्रेन्स है आर शेड फ्रॉम द एंथर, किस शेड होती है एंथर से, एट द टू सेलेड स्टेजेस, एट द टू सेलेड से इन द मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में, ये मोस्टली एंजियोस्पर्म में दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन, हमने जो एक्सप्लेनेशन किया है ये सभी इस फिगर के मतलब समझ लेते हैं हम। सबसे पहले इरेज कर लेता हूँ मैं ये सभी और देखिए यहाँ पर अभी ओके। तो इसमें क्या देखा है, ये जो पोलन ग्रेन है उसका फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होके विजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल बनते हैं। फर्स्ट विजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, विजिटेटिव सेल में रिच इन फूड में रिच होता है, मतलब इसके ज़्यादा फूड रिचनेस किस में होती है, फूड में ओके। सो विजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, विजिटेटिव सेल क्या है रिच इन फूड, एंड जनरेटिव सेल फ्लोट करते हैं विजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्मा में। ये जो सेकंड माइटोटिक डिवीजन है वो जनरेटिव सेल की होती है, जिससे कि टू मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं ओके। और टू मेल गैमेट कहाँ, पोलन ग्रेन में हो सकते हैं, आदर पोलन ट्यूब में भी। ये देखिए यहाँ पर रिजेनरेटिव सेल का माइटोटिक डिवीजन हो गया, और माइटोटिक डिवीजन के होने के बाद यहाँ पर टू गैमेट्स बने, टू मेल गैमेट्स यहाँ पर देखे रखा है, टू मेल गैमेट्स, और टू मेल गैमेट्स फिर पोलन ट्यूब से बाहर निकल जाते हैं ओके। सो इतना समझ आ चुका होगा आपको, ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट कहाँ पर, कहाँ से डेवलपमेंट, पोलन ग्रेन से, माइक्रोस्पोर ओके, वहाँ से डेवलपमेंट होती है। सो ये सभी आपको समझ आ चुका होगा। अभी देखिए यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, उस इंफॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं। द फीमेल, देखिए यहाँ पर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज गाइनोशियम, गाइनोशियम मतलब गाय, यहाँ से पता लगाना द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, गाइनोशियम, दैट इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल, ध्यान में रखना है पिस्टिल भी कहा जाता है। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पेल, कार्पेल क्या है, गाइनोशियम के मेंबर्स, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पेल, दैट इज मेगा स्पोरोफिल। वॉट इज मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल इज द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम ओके। गाइनोशियम के इंडिविजुअल मेंबर्स को हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, दैट इज कार्पल ओके। अ फ्लावर विथ मेनी कार्पल्स, फ्री कार्पल्स, अ फ्लावर विथ मेनी फ्री कार्पल्स इज कॉल्ड अपोकार्पस ओके। वॉट इज अपोकार्पस, अ फ्लावर कौन सा भी एक फ्लावर है उसके पास क्या है, फ्यूज्ड कार्पल्स मतलब फ्री कार्पल्स है, फ्री कार्पल्स होके तो उसे हम एपोकार्पस कहेंगे। और एग्जांपल हो गया मिचलिया ओके। अ सिनकार्पस, अ फ्लावर विथ फ्यूज्ड कार्पल्स ओके, अ फ्लावर विथ फ्यूज्ड मिनी कार्पल इज कॉल्ड साइनो, साइनोकार्पस ओके। तो कार्पल के अंदर दो डिफिनेशन आपको याद रखनी है, एक होगी अपोकार्पस और सिनकार्पस। अपोकार्पस में जो फ्लावर है उसके फ्यू क्या होते हैं, फ्री कार्पल्स रहते हैं, और सेकंड हो गए जो फ्लावर है उसके पास क्या रहती है, फ्यूज्ड मेनी कार्पल्स रहती है, उसे सिनकार्पस कहते हैं। और एग्जांपल बेंजील ओके, बेंजील का एग्जांपल ध्यान में रखो, ये हो गया। टिपिकल कार्पल हैज़ अ थ्री पार्ट्स, ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, जो कार्पल है उसके थ्री पार्ट्स है, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा ओके। कौन से पार्ट, ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी वेरीज इन पैडी वेट मैंगो। एग्जांपल देखिए ओवरी मतलब जो ओव्यूल्स के नंबर है ओवरी में, देखा होगा यहाँ पर ये रहती है ओवरी, उसमें छोटे छोटे ऐसे लगे होते हैं वो रहते हैं ओव्यूल्स ओके। ओव्यूल्स कितने रहते हैं ओवरी में, उसके आधार पर कुछ यूनिवोल्यूटेड और मल्टीवोल्यूटेड टाइप्स है ओव्यूल के। सो पैडी वेट एंड मैंगो आर द यूनिवोल्यूट मतलब सिंगल ओव्यूलेट रहता है, वेयर एज द टोमेटो लेडी फिंगर आर द मल्टीवोल्यूलेट, मल्टीवोल्यूलेट ध्यान रखना है। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है यूनिवेलेट के पैडी वेट मैंगो एंड जो मल्टीवेलेट मतलब मेनी ओवल्स रहते हैं उसमें टोमेटो लेडी फिंगर, ये ध्यान में रखना है। सो वी हैव कंप्लीटेड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस
ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एनाटोकस ओव्यूल के बारे में। सो ओविर तो पता है आपको, ऐसे करके ऐसे ओवेरी में ओव्यूल्स रहते हैं ऐसे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये जो ये फर्स्ट लाइन ये बताया, इच ओव्यूल डेवलप इनसाइड द ओवेरी एंड अटैच टू द प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा है उसे अटैच रहती है, ये हो गया ओव्यूल विच इज अटैच टू दिस प्लेसेंटा। ओके, ये समझ आ चुका होगा पॉइंट आपको आई थिंक। सो देखिए, बाय स्मॉल टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल्स। ओके, फ्यूनिकल्स है, अभी इस स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ मैं आपको, इस फिगर में फ्यूनिकल्स क्या है, हाइलम क्या है, ये सभी। ये देखिए, ये हो गया टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। उसमें से जो है ये प्लेसेंटा को अटैच रहती है, ए मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल में सबसे ऊपर वाला पार्ट। ओके, सबसे ऊपर वाला पार्ट चला जा। ओके, नीचे वाला माइक्रोफाइल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहती है वो माइक्रोफाइल। ओके, सो माइक्रोफाइल होने के बाद चला जा, आपको समझ गया माइक्रोफाइल भी, प्लेसेंटा, ये दिस इज द प्लेसेंटा, ये जो है मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल, दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल। इतनी और फिनिकल से और हाइलम से फिनिकल से अटैच रहती है, ये जो मेन पार्ट हो गया। सो यहाँ पर देखो, ये जो पार्ट दिख रहा है हाइलम का, ये क्या है, हाइलम है। ये जो प्लेसेंटा और जो मेन पार्ट अटैच रहते हैं वो हाइलम हो गया, वो जो स्टॉक से अटैच रहते हैं उसे फिनिकल कहा जाता है। और दो तरह के इंटरग्यूंट रहते हैं यहाँ पर, आउटर एंड इनर। सो ये तो हो गया अंदर के भाग, ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहाँ के एंटीपोडल्स। ओके, और ये से ये हो गए सिनर्जिड सेल्स। ओके, सिनर्जिड सेल अभी देखेंगे हम, ये चला जा समझ आ चुका है। एंटीपोडल्स ऊपर के सेल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस अंदर का वो न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक, ये पूरा एम्ब्रियो सैक। ओके, दिस इज द ओवरऑल ओव्यूल। ओके, ओव्यूल। ओके, डाउनवर्ड पार्ट में क्या रहता है, माइक्रोफाइल, दिस इज द प्लेसेंटा एंड दिस इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, फ्यूनिकल एंड द हेलियम इज अटैचमेंट टू द अटैचमेंट ऑफ द मेन बॉडी। ओके, सो ये सभी स्ट्रक्चर के भी रिटर्न फॉर्म में देखेंगे रीड करके। सो चलिए देखते हैं अभी उसमें क्या दे के रखा है हमें। तो यहाँ पर देखिए, वही हम पढ़ने वाले हैं। सो अभी देखो, यहाँ पर इच ओव्यूल डेवलप इनसाइड द ओवरी अटैच्ड बाय प्लेसेंटा। ये जो ओव्यूल है, जो ओव्यूल वो कहाँ पर रहते हैं, ओव्यूल ओव्यूल में रहते हैं विच इज अटैच टू द प्लेसेंटा। अभी देखा हमने ऐसे स्ट्रक्चर करके प्लेसेंटा, इच द स्टॉल को कहा जाता है, ये प्लेसेंटा हो गया, ये जो स्टॉल है उसे हम फ्यूनिकल कहा जाता है। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकल विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, जो मेन बॉडी ओव्यूल की और अटैचमेंट रहता है, अटैचमेंट यहाँ पर हमें ये जो हाइलम है पॉइंट जैसा ये मिला था हमें, क्या ये यहाँ पर पॉइंट जैसा क्या रहता है, ये हो गया ओवरऑल ओव्यूल की बॉडी, और ये फ्यूनिकल स्टॉल, ये प्लेसेंटा और मेन बॉडी के अटैचमेंट को हम हाइलम कहा जाता है। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिनिकल विद मेन बॉडी इज कॉल्ड हाइलम। देखा हमने, इन एंजियोस्पर्म द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज एनाट्रोपस इन विच माइक्रोफाइल इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, मतलब यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप कौन सा है ओव्यूल का, वो है एनाट्रोपस, मतलब जो माइक्रोफाइल रहता है वो डाइनवर डायरेक्शन में और चला जा अपवर डायरेक्शन में रहता है। द ओव्यूल इज कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पेरेंचाइमस टिश्यू विच इज न्यूसिलस। ओके, न्यूसिलस किससे बना होता है, पेरेंचाइमल टिश्यू से, विच इज सराउंडेड बाय टू प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड इंटरग्यूमेंट। देखा हमने आउटर एंड इनर इंटरग्यूमेंट करके, यहाँ पर वही देखे रखा है। सो इसे इरेज कर लेता हूँ मैं अभी। सो अभी देखो यहाँ पर क्या देख रखा है, अन्यारो ओपनिंग किसकी, अ नैरो ओपनिंग ऑफ द अपेक्स ऑफ द होल इज कॉल्ड माइक्रोफाइल। नैरो ओपनिंग एट द अपेक्स, अपेक्स मतलब नीचे, यहाँ पर नीचे नीचे के, और एक नैरो ओपनिंग है पोलन ट्यूब के लिए, उसे हम माइक्रोफाइल कहा जाता है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। चला जा इज द बेस ओल डायरेक्टेड अपोजिट टू द माइक्रोफाइल के अपोजिट, चला जा रहता है। एम्ब्रियो सैक दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक
क्या रहता है, फीमेल गैमेटोसाइट इज अ ओहोल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन न्यूसिलस। न्यूसिलस में क्या, एम्ब्रियो सैक में क्या रहता है, न्यूसिलस। न्यूसिलस ओके, जो पैरेंचाइमस टिश्यू से बना रहता है। सो ओवरऑल हमें फिर एक बार देखेंगे इस फिगर को। अभी देखिए यहाँ क्या देख रखा है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पेन, ऐसे कर लेता हूँ इरेज। अब देखिए ये हो गया माइक्रोफाइल अपेक्स पार्ट, नीचे का पार्ट, और उसके अपोजिट चला जा। ओके सो न्यूसिलस एम्ब्रियो सैक में एम्बेडेड होता है। ओके सो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है, अटैचमेंट है किसके लिए, ओहिल के लिए। ओहिल कहाँ रहता है, ओवरी में, दैट इज अ फ्यूनिकल, फ्यूनिकल इज द स्टॉल्क फॉर ओहिल एंड द प्लेसेंटा। हाइलम, हाइलम इट इज द अटैचमेंट फॉर द ओवरऑल, दिस इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल ओहिल मेन पार्ट एंड टू द प्लेसेंटा वो हाइलम। और इंटरग्रियम, टू इंटरग्रियम रहते हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है, आउटर इंटरग्रियमेंट इनर इंटरग्रियमेंट। ओके जो ऊपर के एंटीपोडर, नीचे के सिनेडिसिल्स। ओके वो सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, एनाट्रोपस ऑफ ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल डिस्क्राइब करने का है तो ये आपको फिगर लिख देनी है, चार से पांच नाम दे देना है आपको, माइक्रोफाइल चला जाए, एंटीपोडर्स क्या है, आउट इंटरग्रियमेंट, न्यूसिलस, हाइलम, फ्यूनिकल, और इनके जो हाइलम क्या है, फ्यूनिकल क्या है, प्लेसेंटा क्या है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट एनाट्रोपस ऑफ ओव्यूल। देखिए आगे क्या देख रखा है। सो आगे है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके हमने ये पढ़ लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दैट इज क्या, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट, वो हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विच इज डेवलप्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके जो कि एम्ब्रियो सैक के भी कहा जाता है, क्या है फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक, देखें एम्ब्रियो सैक जो कि न्यूसिलस, न्यूसिलस देखा आपने यहाँ पर एनाट्रोपसोइल में एम्बेडेड होता है, कहाँ पर एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो सैक की मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट किसे कहा जाता है, पोलन ये जो है ओविल को, इज इट ओके, फीमेल गैमेटोफाइट पोलन ये जो है, फीमेल गैमेटोफाइट मेगा, देखेंगे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। चलो स्टार्ट करते हैं अभी मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, ये मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटो का मतलब एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट्स। तो देखो मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब क्या है इसे देख लेते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस इट इज़ द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, मतलब एमएनसी। ओके व्हाट इज एमएनसी, ओके गाइस क्या है ये, एमएनसी। ओके मेगास्पोर मदर सेल से जो हम मेगास्पोर बनता है, मतलब मेगास्पोर मदर सेल से ही मेगास्पोर्स बनते हैं। मेगास्पोर्स मतलब का, फीमेल गैमेटोफाइट। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन हैप्लॉइड मेगास्पोर, ओके यन नंबर ऑफ, ओके ओके क्रोमोसोम, हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर जेनेसिस, टू एन से यन मत बनते हैं यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस से। ओके सो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स। ओके सो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर एमएमसी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है एक गाइस। ओके देखेंगे आज अभी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, उसकी डेवलपमेंट कैसी है। सबसे पहले अभी मैं फिगर दिखाता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल दिखाई दे रहा होगा, एमएमसी। ओके मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, जो कि डिप्लॉइड होती है, ओके जो कि डिप्लॉयड होते हैं। यहाँ पर मियोसिस होके फोर सेल्स बनते हैं, फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर बनने के बाद ऊपर के थ्री जो मेगास्पोर रहते हैं वो डिजेनरेट सेल बन जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, वो एक ही फंक्शन में रहता है, वो है मेगास्पोर जो कि हैप्लॉइड बन जाता है, वही है। और इस यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है गाइस, मेगास्पोरोजेनेसिस दैट इज जो थ्री सेल्स बने थे यहाँ पर थ्री वो डिजेनरेट हो जाते हैं, एक ही बचता है वो है मेगास्पोर दैट इज एम्ब्रियो सैक। ओके सो उसे टोटल ग्रोथ नरिशमेंट मिलती है न्यूसिला से,
उसे प्रॉपर न्यूसिला से ग्रोथ मिलने के बाद माइटोटिक डिवीजन होता है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, देखिए यहाँ पर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होने के बाद उसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर टू सेल्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होने के बाद मेगास्पोर के टू मेगास्पोर बन जाते हैं, फिर फोर, यहाँ पर सेकंड माइटोटिस से फोर बन जाते हैं, थर्ड माइटोटिस से एट बन जाते हैं। एट ऊपर के थ्री हो गए, नीचे के थ्री और अंदर ये टू हो गए। ओके, समझ आ गया चुका होगा आपको, मतलब माइटोसिस होते हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। कौन से हो रहे हैं? माइटोसिस। पहले मियोसिस हुआ, मियोसिस होने डिजेनरेट हुए, थ्री जो ऊपर के थ्री सेल से वो डिजेनरेट होके उसे प्रॉपर नरिशमेंट मेगास्पोर को न्यू सेल से प्रॉपर नरिशमेंट मिलने के बाद मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद टू सेल्स बने, उससे सेकंड मियोसिस हुआ तो फोर सेल्स बने, फोर सेल्स बने का एट सेल्स बने। एट सेल ऊपर के टू पोलर, ऊपर के जो थ्री एंटीपोडल सेल्स रहते हैं ये देखिए, ऊपर के थ्री एंटीपोडल्स और नीचे के टू सिनर्जिड्स और ऊपर के पोलर मतलब सेकेंडरी फीमेल गैमेट गैमेट्स दैट इज एम्ब्रियो सैक बनता है उनसे ही, उनसे ही वहाँ पर ही सेल डिवीजन होने के बाद हमें यहाँ पर एक प्रॉपर मेगास्पोर बनता है, मैच्योर मेगास्पोर बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैच्योर मेगास्पोर सैक है, मतलब एम्ब्रियो सैक है फीमेल, उसे हम फीमेल गैमेट को जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन सर्वाइव न्यूक्लियर प्रेजेंस सिक्स आर हैप्लॉयड एंड वन इन डिप्लॉयड। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक में सेवन न्यूक्लिया प्रेजेंट रहते हैं, उसमें से कितने? सेवन आपको दिखा है दे रहा होगा यहाँ पर, यहाँ पर ऊपर के थ्री थ्री और अंदर का एक सिक्स सेवन। ओके, सेवन न्यूक्लिया प्रेजेंट रहते हैं। ऊपर के हो गए एंटीपोडल्स, सबसे नीचे हो गए सिनर्जिड्स, ये हो गए न्यूक्लियस अंदर का। सो सिक्स आर हैप्लॉइड एंड वन डिप्लॉयड, मतलब ये ऊपर ये और ये हैप्लॉइड और अंदर का डिप्लॉयड, वो होगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, सो फिगर में ही हो गया फीमेल डेवलप। अब इसे हम रीड करके देखते हैं क्या देखे रहता है। यहाँ पर देखिए फीमेल गैमेटोफाइट में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या देखे रखा है वो देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट में। सो देखिए डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक MMC दैट इज मेगास्पोर मदर से अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म लीनियर स्टेट हैप्लॉइड सेल। मैंने अभी बताया मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर्स बनते हैं। अपर के जो थ्री मेगास्पोर्स अबॉट एंड लोवेस्ट वन सेंटर ऑफ न्यू सेल, मतलब ऊपर के डिजेनरेट हो जाते हैं थ्री, वन फंक्शनल बन जाता है। इट एक्ट्स एज द फर्स्ट फीमेल गैमेटोफाइट, वो बचा था वो। जनरली वन मेगास्पोर टूवर्ड्स द सेंटर इज फंक्शनल मेगास्पोर, मतलब वो बचा हुआ एक था वो फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है। इट इज द इनफैक्ट द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, वो क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। इट अंडरगोस थ्री सक्सेसिव थ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, हम देखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड माइटोटिक डिवीजन होने के बाद उस सेल के फर्स्ट बन, फिर सेकंड फोर बन जाते हैं, फिर एट बन जाते हैं, फिर सेवन न्यूक्लियर हमें मिल जाता है मैच्योर एम्ब्रियो सैक में। ओके, देर आर टोटल एट न्यूक्लियर आर फॉर्मड, फोर ऑफ विच आर लोकेटेड इच पोल, मतलब ऐसे बनाए थे ना यहाँ पर पोल, यहाँ पर पोल बने थे, यहाँ पर थ्री, यहाँ पर थ्री, अंदर टू बने थे, ऐसे इसे पोल कहा जाता है, इसे पोल कहा गया है। ओके, वन न्यूक्लियस फ्रॉम इच माइग्रेट टुवर्ड्स द सेंटर आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियर, अंदर का जो कि अंदर का न्यूक्लियर रहता है वन न्यूक्लियर टुवर्ड्स द माइग्रेट टुवर्ड्स द सेंटर आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियर। थ्री न्यूक्लियर टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड कंसिल, माइक्रोपाइलर एंड के नीचे डाउनवर्ड की तरफ से यहाँ पर कितने रहते हैं थ्री, कितने रहते हैं थ्री न्यूक्लियर रहते हैं टूवर्ड्स द माइक्रोपोलर कंस्टिट्यूट एक अपैरेटस। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लास्ट सेंटर हैप्लॉइड सेल टू सपोर्टिंग हैप्लॉइड सिनर्जिड सेल, इसमें मतलब ऊपर के एंटीपोडल्स, यहाँ के नीचे के माइक्रोपोलर ऊपर सिनर्जिड सेल टू न्यूक्लियर अंदर के वही देखे रखा है। सो सिनर्जिड सो हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिलीफॉर्म अपैरेटस विच गाइड्स द पोलन ट्यूब टूवर्ड द, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कौन सा। सो व्हाट इज सिनर्जिड शो देयर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, सिनर्जिड सेल के पास हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं कॉल्ड फिलीफॉर्म अपैरेटस। ओके, फिलीफॉर्म अपैरेटस विच गाइड द पोलन ट्यूब टूवर्ड द, इसका फंक्शन क्या है, क्या है? विच गाइड द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द, मतलब टूवर्ड्स एक के टूवर्ड्स नहीं ना, गाइड करना किसी को,
पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द पोलन ट्यूब से निकालना, गाइड करना, इसका काम है हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिली फॉर्म अपैरेटस से। सो ये हो गया हम डेवलपमेंट। सो यहाँ पर देखें कुछ और भी इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं हम। सो देखिए यहाँ पर फिर हम पॉलिनेशन करेंगे, डेवलपमेंट समझना बहुत ज़रूरी है, मैंने इजीली बताया आपको। सो यहाँ पर देखो एंटीपोलर सेल, ऊपर के सेल्स जो मैंने बताया था ऐसे ऊपर की सेल्स रहते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ओके तो यहाँ पे हमें ऊपर के सेल्स में लेते हैं, ये एंटीपोलर सेल्स, ये सिनर्जी सेल्स, एंटीपोलर दो पोलर न्यूक्लियाई। ओके एंटीपोलर सेल्स आर अ ग्रुप ऑफ थ्री सेल्स, ऊपर के सिनर्जीज रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ के एंटीपोडल्स। ओके मतलब ओके अब देखिए चला जाए एंड पर कौन से रहते हैं, एंटीपोडल सेल्स आर ऊपर का क्या रहता था चला जल, उसके अपोजिट माइक्रोपाइलर। ओके माइक्रोपाइलर के भी अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं वो। ओके एंटीपोडल सेल अ ग्रुप ऑफ थ्री सेल्स प्रेजेंट द चला जल एंड, ये चला जल एंड इसे कहा जाता है, द टू हैप्लॉय पोलर न्यूक्लियर लार्ज सेंट्रल फॉर्म डिप्लॉय सेकेंडरी न्यूक्लियर एंड डिफिनाइट न्यूक्लियर जस्ट प्रिफर फॉर फर्टिलाइजेशन। दिस सेवन सेल कॉल्ड एट न्यूक्लियेटर स्ट्रक्चर इज अ एम्ब्रियो सैक। सो हमें सेल्स कितने मिले थे, एट मिले थे, उसमें से जो जो छः थे मतलब उसमें से 707 सेल थे वो तो न्यूक्लिएटेड ही हो गए, मतलब दिस सेवन सेलर एंड एट सेलर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। तो देखा होगा यहाँ पर ही मैंने बताया था आपको मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ये मैं ये देख रहे हैं ना, ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक मैंने अभी बताया। यहाँ पर कितने ऊपर के थ्री नीचे के थ्री और ये 7 सेल्ड मतलब 7 सेल्स का जो मैच्योर एम्ब्रियो है उसे हम कहते हैं मतलब मैच्योर एम्ब्रियो दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। सो चलो नीचे देखते हैं एम्ब्रियो सैक। ओके ओके दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर्स डिस्क्राइब्ड एज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, हमने अभी देखा था जो कि सिंगल मेगा स्पोर्स से जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है उसे हाँ उस डेवलपमेंट को हम मेगा स्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे हम। ओके हमने देखा था ना पहली बार ही देखा था मियोसिस होने के बाद 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, वो 1 ही बचता है, उसे न्यूसेलस से डेवलपमेंट होता है, उसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है उसे। देखिए अभी इन एंजियोस्पर्म्स द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज एंडोस्पोरस विद इन द मेगास्पोर। ओके द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज एंडोस्पोरस विद इन दिस मेगास्पोर, मेगास्पोर के अंदर होता है इसलिए उसे विद इन एंडोस्पोरस विद इन द मेगास्पोर वो कहा जाता है, एंडोस्पोरस के अंदर होता है। फीमेल गैमेटोफाइट इज अ कलरलेस एंडोस्पर्मिक इट वो कैसे कैसे रहते हैं कलरलेस एंडोस्पर्मिक एंड इज कंसर्ड इथ ओविल इंक्लोज्ड बाय ओवरी। ओके यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन बताया गया है जो मैच्योर एम्ब्रियो वो क्या रहता है, कलरलेस तो रहता ही है, एंडोस्पर्मिक है, कॉन्सेलेड विथ ओविल इंक्लोज्ड बाय ओवरी के अंदर है यही ओविल। ओके एम्ब्रियो सैक समझ आ गया, एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट अच्छी तरह से कर लो। ओके डेवलप दैट इज एम्ब्रियो सैक बोले तो फीमेल गैमेट ध्यान में रखना है आपको, मेगास्पोरस की डेफिनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिप्लॉयड मेगा MMC से हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, उस प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। अभी ये हो गया सम मतलब पूरा डेवलपमेंट हो गया, TS एंथर सब कुछ कर लिया हम, बचा है अभी पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कर लेते हैं अभी। सो इसे मैं इरेज कर लेता हूँ, देखिए अभी पॉलिनेशन क्या है। सो आप सभी को तो पता ही है पॉलिनेशन क्या है। ओके सो देखिए यहाँ पर मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, तो देख लो यहाँ पर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बींग्स नॉन मोटाइल एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स। ओके पॉलिनेशन स्टार्ट करने से पहले पोलन ग्रीन मैंने बताया, पोलन ग्रीन का हमने स्ट्रक्चर भी कर लिया, स्ट्रक्चर क्या है वो सभी कर लिया है हमने।